मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा 0.99999 जितना लिखना हो आपको उतना लिख दें और 1.000 जितने जीरो लगाना है उतने लगा दें और आखिरी में 1 लिख दें, तो यू विल फाइंड दैट दीज 3 नंबर्स, ये 1 ये अप्रॉक्स दे आर इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली दे आर इक्वल, पर एग्जैक्टली दे आर नॉट इक्वल। एग्जैक्टली बराबर नहीं है पर अप्रॉक्सीमेटली दे आर इक्वल। पर जब हम उनकी पावर n ले लें, n यानी क्या, n की वैल्यू जब हम बढ़ा दें, n बड़ा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 1 लिया, तो 1 लिया तो लगभग यही आएगा। जब आप n की वैल्यू 2 लें तो आपको इसके लिए थोड़ी कैलकुलेटर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर से जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप क्या करिए कि 0. आप कोई नंबर ऐसा सिलेक्ट कर लें, 0.99999 × और बार बार इक्वल टू का बटन आप दबाते जाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट आता जाएगा। तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, बहुत छोटी होती जाएगी। कैसे छोटी होगी, देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है, मैं आपको ठीक से समझाता हूँ इसको। ये लिखा है, मान लीजिए कि मैं 0.9 लेता हूँ, 0.9, तो 0.9 और 0.9 का स्क्वायर करूँगा मैं तो मेरे पास आएगा 0.81। अब मैं जब 0.81 का भी स्क्वायर करूँगा, जब मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा यानी इसकी पावर 4 लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.81 का स्क्वायर। तो ये आपके पास करीब ऐसा कुछ आ जाएगा 0.65 समथिंग। जब आप इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 0.6 का स्क्वायर, आप देखिए 0. क्या होता है आपके पास, 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36। तो यानी आप 36 वाली लाइन में चले जाएंगे। फिर अगर आप और इसका स्क्वायर कर देंगे, 0.36 वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो और आप छोटा हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0.0 समथिंग हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप और करते जाएंगे तो और धीरे धीरे नंबर आपका रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपने n बहुत बार ऐसा काम कर दिया, n टेंड्स टू क्या कर दिया, मान लीजिए कि आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, n को इतना बढ़ा दिया कि बढ़ाते गए इक्वल टू का बटन दबाते गए, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 0। और आपने 1 × 1 × 1 कितनी भी बार करते जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये केस की इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और अगर आप ये वाला केस लेंगे तो ये वाला भी केस मैं आपसे डिस्कस करूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आप जानने के लिए देखिए, एक छोटा सा नंबर आप ले लें, जैसे 1.1 ले लिया और 1.1 और 1.1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.21 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर आपको मालूम होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। फिर इसका 1.21 का स्क्वायर करेंगे, अगर आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया मतलब इसकी पावर और बढ़ा दी, तो इसकी भी पावर बढ़ गई, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 1.4 समथिंग होता है ये, तो 1.4 समथिंग कुछ होगा। फिर वो 1.4 समथिंग का स्क्वायर करेंगे, अगर आपने फिर इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसकी पावर बढ़ा दी, तो फिर ये आपके पास 1.9 समथिंग हो जाता है। 1.9 समथिंग का उसका भी स्क्वायर कर देंगे आप, तो फिर आप 2.89 में आ जाएंगे। फिर और कर देंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो जब आप n को बहुत बड़ा ले लेंगे दोस्तों, इतना बड़ा कि इनफाइनाइट हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आप देखो, यही बात है कि अगर आपने थोड़े थोड़े प्रयत्न किए तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और आपने थोड़े कम प्रयत्न लगातार करते गए तो आप बहुत छोटे हो जाते हैं। और देखो कितना बड़ा डिफरेंस था कब, जब ये तीनों इक्वल थे, कब, शुरू में। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती गई तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है इनमें।
और दोस्तों ये लिमिट के कंसेप्ट में भी आता है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए लिमिट क्या है आपकी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आपको यहाँ वन बनता हो, जिससे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वन कैसे बन सकता है, वन माइनस, एक एग्जांपल अच्छा सब बताता हूँ आपको, तो उससे आपको क्लियर होगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसा बनता हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, और पावर में ऐसा ले लेते हैं वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो आप इसी के जैसा बन गया, एक्स की वैल्यू क्या है वन, एक्स वन की तरफ जा रहा है, और वो ये हो गया वन अपॉन वन माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस वन यानी वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो यानी इन्फिनिटी। तो ये इसी टाइप का केस हो गया, ये इस टाइप का केस हो गया जिसमें वन की पावर क्या है आपके पास, इन्फिनिटी है, ये लिमिट है, और लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू वन। एक बार आपको पॉजिटिव साइड से वन प्लस एच, एक बार आपको नेगेटिव साइड से वन माइनस एच। जब आप वन प्लस एच की तरफ से दोस्तों जाओगे तो वन प्लस एच की तरफ से आपको ये वाली लिमिट मिलेगी, और आपका आंसर क्या होगा, ये देख ही लिया आपने इन्फिनिटी। और जब आप एक्स की तरफ, जब आप एक्स की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करेंगे वन माइनस एच से, तो आपको ये मिलेगा। तो ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया, अदरवाइज़ ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, और मेरी बेस्ट विशेष हैं आप सीखें और दोस्तों को सिखाएं, बढ़ें, आगे बढ़ाएं, खुद चैनल लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।